वेरी गुड आफ्टरनून टू ऑल द डियर स्टूडेंट्स माई नेम इज़ जस्टिन मसी एंड आई एम सर्विंग एज एसोशिएट प्रोफेसर ऑफ केमिस्ट्री एट द केमिस्ट्री डिपार्टमेंट इन यून कृष्ण कॉलेज और मैं आप सबों का इस पहले वीडियो लेक्चर में मैं आपका स्वागत करता हूँ यूनिवर्सिटी ग्रांड्स कमीशन और इलाहाबाद यूनिवर्सिटी के निर्देशों के अनुसार ऑनलाइन टीचिंग को बढ़ावा देने के लिए और उसको प्रमोट करने के लिए और इस उद्देश्य से कि स्टडी मटेरियल लेक्चर्स के फॉर्म में वीडियोस के फॉर्म में हमारे सभी विद्यार्थियों तक पहुंचे इस प्रयास को यू एन कृष्ण कॉलेज के सेंटर फॉर मीडिया एंड परफॉर्मिंग आर्ट्स के द्वारा इनिशिएट किया गया है ताकि इस तरह के लेक्चर्स शूट किए जा सकें और उनको एडिट करके और यूट्यूब के माध्यम से आप तक पहुँचाया जा सके और इसी प्रयास में हम लोग लगे हुए हैं और मैं उम्मीद करता हूँ कि ये लेक्चर्स आप सबों के लिए बहुत फ़ायदेमंद सिद्ध होंगे

और इस पर बहुत सारी बातें हो सकता आप पहले से जानते हो सो so, कुछ चीज़ें आपके लिए रेपिटिशन होंगी कुछ चीजें आपके लिए नई होंगी और मैं जरूर से चाहूँगा कि अगर आप नोट्स लिख रहे हैं तो बहुत ही अच्छे तरह से अपने नोट्स को बनाते रहिए और कुछ पी मटेरियल भी हम आपको प्रोवाइड करेंगे ताकि वीडियो लेक्चर और पी नोट्स मिला करके आप अपनी पढ़ाई को आगे चला सकें नाओ द फर्स्ट रेफरेंस द फर्स्ट रेफरेंस ऑफ

And the word atomos is made up of two words a and tom. a ka matlab hota hai not or tom ka matlab hota hai cut. So basically what Democritus said was that the word atomos means a particle which cannot be cut. ए पार्टिकल विच कैन नॉट बी कट ए टॉम ये अंग्रेजी भाषा का शब्द है जिसमें से एटोमोस जो ग्रीक भाषा का वर्ड था इसी में से इंग्लिश वर्ड एटम कॉइन किया गया जिसका मतलब होता है समथिंग विच कैन नॉट बी कट एक ऐसा एक ऐसा पार्टिकल जिसको काटा नहीं जा सकता है तो इसका मतलब क्या है what does it mean when i say atomos meaning cannot be cut what does it mean well it simply means that atom cannot be further subdivided into smaller particles or chote tukdon mein atom ko toda nahi ja sakta usko kaata nahi ja sakta it, it cannot be subdivided it is indivisible it is indivisible और क्या मतलब है इसका इसका एक मतलब और भी है कि atom itself is the smallest particle. क्योंकि इसको और छोटे टुकड़ों में नहीं तोड़ा जा सकता है एटम ही सबसे सूक्ष्मतम कण है इट इज द स्मॉलेस्ट पार्टिकल सो ये जो पहला रेफरेंस है डेमोक्रेटिस नाम के एक फिलोसफर ने आ, एक वर्ड कॉइन किया ग्रीक वर्ड एटोमोस जिसमें से अंग्रेजी भाषा का शब्द एटम निकला जो कि दो भागों से मिलकर बना है ए एंड टॉम समथिंग विच नॉट बी कट एक ऐसा पार्टिकल जिसको और छोटे टुकड़ों में तोड़ना संभव नहीं है इसका मतलब यह है एटम इज इंडिविजिबल एंड इट ऑल्सो मीनस दैट एटम इट सेल्फ इज द स्मॉलेस्ट पार्टिकल now i am only trying to sort of give you a little history behind the structure of atom your syllabus begins with the bohr's atomic structure but even before bohr came there were many other scientists who have made very very important contributions in the field of the development of the whole concept of structure of atom and this whole story begins with this gentleman by the name of democritus a greek philosopher democritus sahab ke baad jo एक और नाम आता है जो बड़ा इंपॉर्टेंट है जिसके बारे में बहुत सारी बातें आपने भी पहले से पढ़ी होंगी उनका नाम है ना डाल्टन साहब ने जो है एटम के बारे में बहुत सारी इंपॉर्टेंट बातों को स्टडी किया डाल्टन साहब ने एटम के बारे में बहुत सारी बातों को कन्वे भी किया अपने पेपर्स के रूप में और अपनी राइटिंग्स के रूप में बुक्स के रूप में थियरी के रूप में उन्होंने बहुत सारी बातों को प्रपोज किया और डाल्टन साहब की थियोरी में एटम के बारे में तीन खास बातें बताई गई थी पहली बात डाल्टन साहब ने कहा एटम इज न्यूट्रल एटम इज न्यूट्रल वी विल टॉक अबाउट वॉट इज द मीनिंग ऑफ द वर्ड न्यूट्रल देन डाल्टन सेड एटम इज इन डिविजिबल एटम इज इनडिविजिबल एंड वी विल स्पीक अबाउट दैट इज वेल एंड देन ही सेड एटम इज अल्टीमेट सो डाल्टन साहब ने एटम के बारे में तीन खास बातें बताई उन्होंने कहा एटम न्यूट्रल है एटम इनडिविजिबल है एटम अल्टीमेट है ना हर एक कॉन्सेप्ट को हम लोग एक एक करके थोड़ा सा और विस्तार से हम लोग अध्ययन कर ले वट डेन वी से एटम इज न्यूट्रल क्या मतलब है इसका अब जैसे मैंने कहा कि आपने जूनियर क्लासेस में इस पूरे कॉन्सेप्ट को ऑलरेडी पढ़ा हुआ है न्यूट्रल वर्ड भी जरूर आपने सुना होगा एटम न्यूट्रल है साहब अब एटम के न्यूट्रल होने का मतलब क्या है अब देखिए आमतौर से क्या होता है एक भ्रांति है एक मिसकंसेप्शन है एक मिसअंडरस्टैंडिंग है जो स्टूडेंट्स के दिमाग में रहती है कि न्यूट्रल का मतलब है एक ऐसा पार्टिकल जिसमें कोई चार्ज ना हो चार्ज लेस पार्टिकल इज ए न्यूट्रल पार्टिकल इस तरह का एक मिसकंसेप्शन एक मिसअंडरस्टैंडिंग स्टूडेंट्स में रहती है एक पार्टिकल जिसके पास कोई चार्ज ना हो उसे न्यूट्रल कहा जाता है और मैं आपको बता दूं कि यह बात बिल्कुल गलत है बिल्कुल बिल्कुल गलत बात है यह क्योंकि न्यूट्रल का मतलब चार्जलेस नहीं होता है ना इसको समझना बहुत जरूरी है और मैं एक एग्जाम्पल द्वारा आपको समझाना चाहता हूं सिर्फ फॉर एग्जाम्पल सोडियम एटम सोडियम एटम इज इट न्यूट्रल येस इट इज न्यूट्रल हाउ डू वी नो इट इज न्यूट्रल क्योंकि एटम है इसके ऊपर कोई भी हमको चार्ज अलग से दिखाई नहीं देता ना सोडियम पर पॉजिटिव चार्ज दिख रहा है ना सोडियम के ऊपर नेगेटिव चार्ज दिख रहा है लिहाजा हम कहते हैं कि सोडियम एटम एक न्यूट्रल एटम है न्यूट्रल पार्टिकल है अब सवाल ये उठता है क्या सोडियम चार्ज लेस स्पीशीज है क्या सोडियम एटम चार्ज लेस है या इसमें चार्जेस हैं? वह इसका जवाब यह है कि इसमें चार्जेस हैं कैसे पता अब देखिए सोडियम के न्यूक्लियस के अंदर देर आर इलेवन प्रोटॉन्स और हम जानते हैं कि प्रोटोन पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल होते हैं इसका मतलब यह है कि सोडियम के अंदर 11 प्रोटोन हैं यानी 11 पॉजिटिव चार्जेस इसके अंदर हैं और सोडियम एटम में न्यूक्लियस के बाहर 11 इलेक्ट्रॉन्स हैं इसीलिए हम कहते हैं कि इसका अटोमिक नंबर ग्यारह है हम लोग जानते हैं अटोमिक नंबर का कॉन्सेप्ट अटोमिक नंबर इज इक्वल टू द नंबर ऑफ प्रोटॉन्स विच इज इक्वल टू द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स एंड दैट इज वाई एन एटम इज कॉल्ड न्यूट्रल नाउ आई एम ट्राइंग टू अंडरस्टैंड मेक यू अंडरस्टैंड दिस होल कॉन्सेप्ट ऑफ वॉट इज द मीनिंग ऑफ द वर्ड न्यूट्रल नाउ प्लीज अंडरस्टैंड ए न्यूट्रल स्पीशीज इज वन विच हैज द सेम नंबर ऑफ पॉजिटिव चार्जेस एंड नेगेटिव चार्जेस चार्ज लेस स्पीशीज आर नॉट न्यूट्रल स्पीशीज स्पीशीज विच हैव द सेम नंबर ऑफ ऑपोजिट चार्जेस आर कॉल्ड न्यूट्रल स्पीशीज वो स्पीशीज जिनमें दोनों ऑपोजिट प्रकार के चार्जेस की संख्याएं बराबर होती हैं ऐसे सभी पार्टिकल्स को हम लोग न्यूट्रल पार्टिकल कहते हैं और एटम न्यूट्रल क्यों कहलाता है क्योंकि एटम के अंदर जितने पॉजिटिवली चार्ज प्रोटोन है उतने ही नेगेटिवली चार्ज इलेक्ट्रॉन्स हैं और क्योंकि ऑपोजिट चार्जेस की संख्या समान है इसीलिए एटम को डाल्टन साहब ने कहा कि ये न्यूट्रल है बिल्कुल सही कहा और आज की तिथि में भी हम जानते हैं कि न्यूट्रल स्पीशीज एटम जो है वो एक न्यूट्रल स्पीशीज है कि उसकी क्योंकि उसके अंदर प्रोटोनों और इलेक्ट्रॉनों की संख्या यानी पॉजिटिव चार्ज और नेगेटिव चार्जेस की संख्याएं बराबर है अच्छा मान लीजिए अगर प्रोटॉन की संख्या बढ़ गई प्रोटॉन की संख्या बढ़ गई 11 प्रोटॉन था अगर मान लीजिए माफ कीजिएगा नॉट लेट्स नॉट से प्रोटॉन की संख्या बढ़ गई अगर इलेक्ट्रॉन की संख्या बढ़ गई मान लीजिए इसका मतलब यह हुआ कि अब एक ऐसी स्पीशीज बनी जिसमें प्रोटॉन 11 है मगर इलेक्ट्रॉन्स अब 12 है और ऐसी स्पीशीज को हम अब न्यूट्रल नहीं कह सकते क्यों नहीं कह सकते क्योंकि प्रोटोनों और इलेक्ट्रॉनों की संख्या बराबर नहीं है प्रोटोनों और इलेक्ट्रॉनों की संख्या बराबर जब तक होगी तभी तक न्यूट्रल कहलाएंगे किसी कारण से प्रोटॉन की संख्या में वृद्धि हो गई या कम हो गया इलेक्ट्रॉनों की संख्या में वृद्धि हो गई या कम हो गया तो प्रोटोनों और इलेक्ट्रॉनों की संख्या बराबर न रहने के कारण फिर उसको हम न्यूट्रल नहीं कह सकते और यदि न्यूट्रल है तो वो न्यूट्रल नहीं है तो उसको फिर हम एटम भी नहीं कह सकते अच्छा मान लीजिए हमारे पास सोडियम एटम है और सोडियम एटम में से एक इलेक्ट्रॉन निकल गया तो बन गया सो, सोडियम कैटाइन इसको हम एटम ना कह करके कैटाइन कहते हैं कैटाइन का मतलब क्या हुआ जहां पर प्रोटॉनों की संख्या प्रोटॉनों की संख्या इलेक्ट्रॉनों की संख्या से ज्यादा होती है सो अगर प्रोटोनों की संख्या इलेक्ट्रॉनों की संख्या से ज्यादा है ऐसे सभी स्पीशीज को हम कैटायन कहते हैं और यदि प्रोटॉनों की संख्या इलेक्ट्रॉनों की संख्या से कम हो तो ऐसे सभी स्पीशीज को हम एनायन कहते हैं और यदि प्रोटॉनों की संख्या इलेक्ट्रॉनों की संख्या के बराबर हो तो ऐसे सभी स्पीशीज को हम एटम कहते हैं सो जॉन डाल्टन साहब ने एक बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट प्रपोज किया कहा एटम न्यूट्रल है अर्थात एटम में प्रोटॉनों और इलेक्ट्रॉनों की संख्या बराबर है लेट्स मूव अहेड फिर डाल्टन साहब ने कहा एटम इनडिविजिबल है इनडिविजिबल इनडिविजिबल अप ऑफ टू वर्ड इन डिविजिबल मीनिंग समथिंग विच कैन नॉट बी फर्दर डिवाइडेड समथिंग विच कैन नॉट बी फर्दर डिवाइडेड और कुछ यही बात मिलती जुलती बात डेमोक्रेटस साहब ने भी कही थी जब उन्होंने ये वर्ड एटोमोस कॉइन किया था जिसमें से अंग्रेजी भाषा का शब्द एटम निकला था ए टॉम समिंग विच कैनॉट बी कट समथिंग विच इज इनडिविजिबल और मैंने आपको जैसे पहले बताया इनडिविजिबल का मतलब यह हुआ कि यही अपने में सबसे छोटा पार्टिकल है और इसको छोटे पार्टिकल्स में तोड़ना काटना संभव नहीं है सो एटम इज न्यूट्रल हैविंग द सेम नंबर ऑफ ऑपोजिट चार्जेस एटम इज इनडिविजिबल

सो एटम इज द बेसिक पार्टिकल एटम इज द अल्टीमेट पार्टिकल एटम इज द स्मॉलेस्ट पार्टिकल एंड द एंटायर यूनिवर्स इज कंपोज ऑफ एटम अब मेरे साथ इमेजिन करिए मान लीजिए ये एक एक एटम है ये दूसरा एटम है ये दोनों आपस में आके जुड़ जाएंगे फिर तीसरा एटम फिर चौथा एटम फिर पांचवा एटम फिर छठवां एटम और इस तरह से असंख्य एटम जब आपस में एक दूसरे के साथ आके जुड़ जाएंगे तो एक स्पीशीज क्रिएट हो जाएगी समथिंग विल गेट क्रिएटेड वेन द अल्टीमेट पार्टिकल विच इज द इनडिविजिबल पार्टिकल विच इज न्यूट्रल इन नेचर वेन इनफाइनाइट नंबर ऑफ सच स्मॉल न्यूट्रल इनडिविजिबल अल्टीमेट पार्टिकल ज्वाइन टूगेदर इस स्पीशीज इज क्रिएटेड किसी चीज की संरचना हो जाएगी जॉन डाल्टन साहब ने कहा एटम अल्टीमेट है उनके कहने का तात्पर्य था उसका अर्थ यह था व्हाट वॉज ही इंप्लाइंग वॉट इ वॉज सेली वॉज एंटायर यूनिवर्स इज कम्पोज ऑफ एटम इट इज द अल्टीमेट पार्टिकल इसका मतलब यह भी हुआ कि यदि हम किसी भी पदार्थ को ले लें ब्रह्मांड के किसी भी हिस्से को ले लें और यदि हम उसको तोड़ना शुरू करें तो तोड़ते 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 जो सबसे छोटा कण हमको मिलेगा जिसको और छोटे कणों में तोड़ना संभव नहीं है उसी छोटे कण का नाम रखा गया एटम सो एटम इज न्यूट्रल हैविंग सेम नंबर ऑफ ऑपोजिट चार्जेस एटम इज इंडिविजिबल के नॉट बी फर्दर कट इन टू स्मॉलर पीसेज एटम इज अल्टीमेट एटम कंपोजेज दर यूनिवर्स लिसन केयरफुली नथिंग कंपोजेज द एटम बट एटम कंपोजेज एवरीथिंग एटम सब चीजों के मिलकर संरचना करता है और कोई भी चीज एटम की संरचना नहीं करती क्योंकि एटम अपने में सूक्ष्मतम है स्मॉलेस्ट है अल्टीमेट है इंडिविजल है कैन नॉट बी कट और इसी बात को जॉन डाल्टन साहब ने कहा था नाउ डाल्टन साहब ने जब अपनी थियोरी प्रपोज करी थी तो उस समय विज्ञान बहुत डेवलप नहीं हुआ था वैज्ञानिकों में आपस में बहुत सामंजस्य भी नहीं था सब लोग दूर दूर रहा करते थे इंफॉर्मेशन एक दूसरे तक पहुंचाना आपस में डिस्कशन करना आपस में चर्चाएं करना मिल पाना एक दूसरे से बात कर पाना टेलीफोन से इत्यादि यह संभव नहीं था बहुत सारे मशीन्स भी नहीं थी बहुत सारे इक्विपमेंट्स भी नहीं थे लेकिन इन सब चीजों के अभाव के बावजूद इवन इन एब्सेंस ऑफ फेसिलिटीज एंड साइंटिफिक टेम्परमेंट एंड एंड यू नो लिटरेचर एंड एंड सो मेनी अदर थिंग्स दैट वी हैव नाउ वर नॉट अवेलेबल दैट टाइम एंड इवन इन दबसेंस ऑफ ऑल दोटीज जॉन डाल्टन प्रपोज थ्री वेरी इंपॉर्टेंट इसल कोर थिंगस अबाउट एन एटम और ये बातें इतनी सटीक थी उस समय के हिसाब से कि जॉन डाल्टन साहब को एक उपाधि दी गई एंड डाल्टन वॉज कॉल्ड द फादर ऑफ मॉडर्न अटोमिक स्ट्रक्चर मॉडर्न एटॉमिक स्ट्रक्चर का फादर उनको कहा गया इतनी सटीक बातें उन्होंने कही थी नाउ इवन एज ऑन डेट आज के दिन में भी जॉन डाल्टन साहब को फादर ऑफ मॉडर्न स्ट्रक्चर कहा जाता है जो बात अर्ली एटीन में कही गई थी इवन 2020 में जॉन डाल्टन साहब को हम फादर ऑफ मॉडर्न एटॉमिक स्ट्रक्चर कहते हैं क्यों कहते हैं क्योंकि आज भी जॉन डाल्टन साहब की थ्योरी के तीन बातों में से दो बातें आज भी सही पाई गई हैं वॉट वॉज प्रपोज इन अर्ली एटीन हंड्रेड इज ट्रू इवन इन टू थाउजेंड एंड ट्वेंटी एटम न्यूट्रल हैल है क्या एटम अल्टीमेट है यस yes, एटम आज भी अल्टीमेट पार्टिकल है इट हैज बिन प्रूफ क्या एटम इनडिविजिबल है बस एक यही वाला भाग है जो जैसे जैसे साइंस डेवलप हुआ जैसे जैसे लोगों ने अपना अपना साइंटिफिक कॉन्ट्रीब्यूशन किए फिजिक्स से मैथमेटिक्स से स्टैटिस्टिक्स से लोगों के कॉन्ट्रीब्यूशन आना शुरू हुए तब जाकर के लोगों को इस बात का एहसास हुआ और विज्ञान बढ़ा तो लोगों को समझ में आया कि एटम न्यूट्रल तो है एटम अल्टीमेट तो है लेकिन शायद एटम इनडिविजिबल नहीं है एटम डिविजिबल है और हम लोग जानते हैं कि एटम के अंदर एक कंपोनेंट होता है जिसको न्यूक्लियस कहा जाता है फंडामेंटल पार्टिकल्स हैं इलेक्ट्रॉन uh, है जो कि न्यूक्लियस के बाहर है प्रोटॉन है न्यूट्रॉन है जो कि न्यूक्लियस के अंदर है इसका मतलब कई चीजें हैं जो मिलके एटम की संरचना करती हैं लिहाजा एटम डिविजिबल है इट इज कंपोज ऑफ स्मॉलर अदर कॉम्पोनेंट एंड देफोर आउट ऑफ द थ्री टू इवन एज ऑन डेट आर फाउंड टू बी करेक्ट ट द इंडिविजिबल पार्ट ऑफ द एटम विच हैजन स्लाइड चेंज और ये वाला भाग है जो थोड़ा सा इसमें परिवर्तन हुआ है और इसीलिए जॉन डाल्टन साहब की थ्योरी को जो है वो आज भी बहुत इंपॉर्टेंस और रेलिवेंस दी जाती है डाल्टन साहब के बाद और भी बहुत सारे वैज्ञानिक आए अच्छा इस बीच में बहुत सारे नए डेवलपमेंट्स होने लगे इलेक्ट्रॉन का आविष्कार हुआ प्रोटोन का आविष्कार हुआ उन्नीस सौ बत्तीस में चैडविक साहब के द्वारा न्यूट्रॉन का आविष्कार हुआ लोगों को इस बात का एहसास हो गया कि इलेक्ट्रॉन एक ऐसा पार्टिकल है जिसमें जो कि नेगेटिवली चार्ज है प्रोटॉन एक ऐसा पार्टिकल है जो कि पॉजिटिवली चार्ज है और फिर उसके बाद न्यूट्रॉन के बारे में लोगों को मालूम पड़ा कि यह इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल पार्टिकल है सो मेनी मेनी डेवलपमेंट्स आर टेकिंग प्लेस इन बिटवीन और मैं आपको केवल एक नटशेल में एक बैकग्राउंड दे रहा हूं कि बोर्स आपकी थ्योरी आखिर कहां से आई जॉन डाल्टन साहब की थ्योरी के बाद एक और वैज्ञानिक हुए उनके बारे में भी आपने जरूर पढ़ा होगा और उनको उनका नाम है सर जे जे थॉमसन और थॉम्सन साहब ने अपनी एक थ्योरी प्रपोज करी और उस थ्योरी का नाम उन्होंने रखा प्लम पुडिंग मॉडल ऑफ एटम या उसको किसी किसी किताब में द वॉटर मेलन मॉडल ऑफ एटम भी कहा गया है और ये जो वैज्ञानिक थे इनका नाम है सर जे जे थॉम्सन दॉटर मेलन मॉडल ऑफ एटम द वॉटर मेलन मॉडल ऑफ एटम अब थॉम्सन साहब की जो थ्योरी है उसका कोर पार्ट देखिए इस बात से समझिएगा थॉम्सन साहब ने कहा कि जैसे मान लीजिए ये क्या है ये वाटर मेलन है हिंदी में इसको तरबूज कहते हैं ओके okay? और ये आधा कटा हुआ तरबूज है और ये जो काले काले इसके तरबूज के अंदर आपने नोटिस किया होगा बीज होते हैं सो जे जे थॉम्सन साहब ने प्रोपोज किया कि यदि हम एक तरबूज को लेकर के और उसको आधा बीच में से हम काट दें तो जैसा आधा कटा हुआ तरबूज अंदर से दिखाई देता है वैसा ही हमारा एटम अंदर से दिखाई देगा यदि एटम को भी हम दो भागों में विभाजित कर दें लाइक द वॉटर मेलन सीम लुक्स ऑन द इन साइड इफ इट इज कट इन टू हाफ द एटम विल ऑल्सो लुक लाइक द सेम इफ इट इज कट इन टू हाफ ना बड़ी इंटरेस्टिंग बात है बड़ी मजेदार बात है कि थॉम्सन साहब खाना खाते समय भी एटम के बारे में सोच रहे थे और हम एटम के बारे में पढ़ते समय भी खाना खाने के बारे में सोचते हैं यह फर्क है इसीलिए वो जे जे थॉमसन है और हम लोग हम लोग हैं इसीलिए आज भी उनको याद किया जाता है और हमारा तो आ, हमारे जैसे बहुत सारे लोग हैं जो इस दुनिया में पड़े हुए हैं लेकिन थॉमसन साहब ने जो कॉन्ट्रीब्यूशन दिया बड़ी रिमार्केबल कुछ एक बातें उन्होंन उन्होंने बताई उन्होंने कहा देखिए साहब इमेजिन करिए कि ये आधा कटा हुआ एटम है ये जो डॉट्स बने हुए हैं ये काले बीज हैं ये ओके और इसके अलावा आपने देखा है कि ये लाल भाग होता है ये रेड पार्ट होता है एटम का वाटरमेलन का जो कि एडिबल पार्ट होता है यह लाल वाला हिस्सा जो है खाया जाता है और बीच बीच में बीज होते हैं काले जिसको कि आमतौर से लोग निकाल दिया करते हैं तो थॉमसन साहब ने एटम के बारे में बताया कि जिस तरह से यह लाल वाला खाने वाला भाग तरबूज के अंदर होता है द रेड एडिबल पार्ट ऑफ द वाटरमेलन उसी तरह से एटम के अंदर ज्यादातर भाग में पॉजिटिवली चार्ज मास यू ही फैला रहता है पॉजिटिवली चार्ज मास यू ही फैला रहता है दैट देर इज लाइक अ सी और अ पूल और और एन एग्रीगेशन ऑफ पॉजिटिव चार्जेज विच इज लाइक स्प्रेड इन द एंटायर वॉल्यूम ऑफ द एटम और जिस तरह से ये काले बीज धसे हुए हैं उसी तरह से एटम के अंदर इस पॉजिटिवली चार्ज्ड मास के बीच बीच में कहीं कहीं पर इलेक्ट्रॉन्स धसे होते हैं सो so, जिस तरह से वाटरमेलन का तरबूज का लाल वाला खाने वाला भाग होता है उस तरह से पॉजिटिवली चार्ज्ड मास होता है जो पूरे एटम के अंदर फैला रहता है और जिस तरह से तरबूज के ये बीज हैं जो बीच बीच में धंसे हैं उसी तरह से एटम के अंदर इस पॉजिटिवली चार्ज मास के बीच बीच में कहीं कहीं पर नेगेटिवली चार्ज इलेक्ट्रॉन्स धसे होते हैं इसी से मिलती जुलती और इसी में जोड़ती हुई एक बात थॉमसन साहब ने और कही और उन्होंने ये बताया जो कि बड़ा इंपॉर्टेंट है केवल स्ट्रक्चर ऑफ एटम के ही संदर्भ में नहीं लेकिन स्टेबिलिटी ऑफ एटम के संदर्भ में भी बहुत इंपॉर्टेंट बात है थॉमसन साहब ने कहा और इस पॉजिटिवली चार्ज मास और नेगेटिवली चार्ज इलेक्ट्रॉनों के बीच में आपस का जो इंटरेक्शन है वो कुछ इस प्रकार का होता है कि एटम स्टेबल बना रहता है एटम स्टेबल बना रहता है सो दिस फॉर प्रॉब्ली फॉर द फर्स्ट टाइम दैट यू नो समबडी स्पोक नॉट ओनली अबाउट द स्ट्रक्चर ऑफ एटम बट ऑल्सो स्पोक अबाउट द स्टेबिलिटी ऑफ द एटम एंड वन लास्ट वन लास्ट कॉन्ट्रीब्यूशन मेड बायदर साइंटिस्ट बिफोर वी मूव एंड स्टार्ट टॉकिंग अबाउट द बोर्स अटोमिक मॉडल और वो जो वैज्ञानिक हैं उनका नाम है रदरफर्ड 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 साहब ने कुछ बड़े इंपॉर्टेंट कॉन्ट्रीब्यूशन दिए और जो रदरफर्ड साहब का जो मॉडल था आई विल रब दिस आउट रदरफर्ड साहब का जो मॉडल था उसका नाम उन्होंने रखा सोलर सिस्टम मॉडल द सोलर सिस्टम मॉडल जिस तरह से जिस तरह से मंडल होता है उसी तरह से एटम के अंदर भी यदि हम झांक के देखें तो जैसा मंडल होता है वैसा ही एटम के अंदर भी दिखाई देगा अब उन्होंने सोलर सिस्टम मॉडल नाम दिया तो उन्होंने जो हमारा सोलर सिस्टम है उसी से एटम के इनर पार्ट को कंपेयर किया क्या बोला उन्होंने कहा साहब देखिए ऐसा है जैसे कि सोलर सिस्टम में बीच में सूर्य होता है सन इज इन द सेंटर उसी प्रकार से एटम के सेंटर में एक पॉजिटिवली चार्ज्ड बॉडी होती है जिसका कि नाम है न्यूक्लियस प्लीज अंडरस्टैंड रदरफर्ड मैं यहां पर नाम लिख दे रहा हूं इनका नाम है रदरफर्ड एंड बाय वे ही वाज़ नॉट अ केमिस्ट ही वाज़ अ फिजिसिस्ट ही वाज़ अ फिजिसिस्ट हु मेड दिस मेजर कंट्रीब्यूशन इन द फील्ड ऑफ अंडरस्टैंडिंग द स्ट्रक्चर ऑफ एटम उन्होंने कहा जिस तरह से सेंटर में सौर्यमंडल के सोलर सिस्टम के सेंटर में सूर्य होता है सन होता है उसी तरह से एटम जो कि स्फेरिकल है उसके सेंटर में भी एक पॉजिटिवली चार्ज मास होता है बॉडी होती है जिसका की नाम है न्यूक्लियस और ये न्यूक्लियस जो है इसकी दो तीन विशेषताएं हैं ये हैवी है भारी है इट इज डेंस इसका घनत्व तो बहुत ज्यादा होता है एंड इट इज स्मॉल सो न्यूक्लियस which is positively charged is heavy it is dense and it is small now the question arises rutherford sahab how does he know that the nucleus is heavy dense and small well i will talk about that very very briefly after i speak about the solar system model so nucleus is in the center of the atom which is heavy dense and small or kaha ki nucleus charo taraf negatively charged इलेक्ट्रॉन्स होते हैं नेगेटिवली चार्ज इलेक्ट्रॉन्स होते हैं जो न्यूक्लियस के चारों तरफ परिक्रमा करते रहते हैं सो इन द सेंटर ऑफ द एटम इज ए पॉजिटिवली चार्ज बॉडी कॉल्ड न्यूक्लियस एंड अराउंड द न्यूक्लियस देर आर नेगेटिवली चार्ज इलेक्ट्रॉन्स विच कीप रिवॉल्विंग इन सर्कुलर मोशन सो एटम इज स्फेरिकल

इसको जरूर से पढ़िएगा क्लास इलेवंथ में ये पढ़ाया जाता है तैयार किए उन्हीं ऑब्जर्वेशन को बेस करके रदरफर्ड साहब ने अपना सोलर सिस्टम मॉडल प्रपोज किया था रदरफर्ड साहब की जो थियोरी आई थी दिस केम इन अर्ली नाइनटीन हंड्रेड सो वी आर सींग फ्रॉम दर्ली एटीन हंड्रेड जॉन डाल्टन देन वी गो टू जे जे थॉमसन There are other scientists in between, and then we come to early 1900s which means that there is a gap of hundred years between the theory proposed by John Dalton and theory proposed by Rutherford. So this theory came in um, around 1901, 1902, 1901 के 1902 Rutherford's आसपास Rutherford Sahab ki theory आई in और उसके बाद 1904, 5, 6 ke aas paas, uh, Rutherford साहब के बाद Bohr साहब ने theory proposed now the question arises, if everything was right with Rutherford's theory, why did we need the Bohr's theory? So जैसा मैंने आपको कहा था कि मैं आपको एक background देने की कोशिश कर रहा हूं कि बोर साहब की थ्योरी के पहले क्या कुछ developments हुए स्ट्रक्चर ऑफ एटम के संदर्भ में और हमारी पूरी कहानी आकर के बोर साहब के थ्योरी तक कैसे पहुंच रही है सो so, Rutherford फोर्ट साहब ने अपनी थ्योरी प्रपोज करी थी और देखने में काफी सही लग रहा है कि केंद्र में एक पॉजिटिवली चार्ज बॉडी है जिसका कि नाम न्यूक्लियस है और चारों तरफ पार्टिकल्स हैं जो कि नेगेटिवली चार्ज हैं और ये सर्कुलर मोशन में घूमते रहते हैं और इनका नाम रखा गया इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन सो ये ये पाथ ये रास्ता जिसके ऊपर इलेक्ट्रॉन मूव करता है उसका नाम रखा गया ऑर्बिट इलेक्ट्रॉन्स जो कि नेगेटिवली चार्ज्ड हैं वो इस सर्कुलर पाथ पर सर्कुलर मोशन अक्वायर करते हैं दे आर इलेक्ट्रॉन और एटम के केंद्र में रदरफर्ड ने कहा कि एक हेवी डेंस एंड स्मॉल बॉडी है जिसका नाम रखा गया न्यूक्लियस और ये सारे जो ऑब्जर्वेशन या जो सोलर सिस्टम मॉडल रदरफर्ड ने प्रपोज किया वो बेसिस जो था वो था एल्फा स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट नाउ द क्वेश्चन अराइज दिस इज द लास्ट पार्ट ऑफ दिस फर्स्ट वीडियो इज दैट एवरी थिंग विद रदरफर्ड थ्योरी वाई डिड वी नीड द बोर्स थ्योरी अगर रदरफर्ड साहब की थ्योरी में सब कुछ ठीक था तो हमें बोर की थ्योरी की आवश्यकता क्यों पड़ी वेल well, सब कुछ ठीक नहीं था और इसीलिए रदरफर्ड साहब के बाद एक वैज्ञानिक और आए जिनका नाम नील्स बोर है जिनकी थ्योरी उन्नीस सौ चार पांच के आसपास प्रपोज होती है और बोर्ज अटोमिक मॉडल के रूप में या बोर्ज अटोमिक स्ट्रक्चर के रूप में वो थ्योरी उभर के सामने आती है जहां से कि आपके बीएससी फर्स्ट ईयर का सिलेबस शुरू होता है नाउ लेट मी टेल यू द डी प्रॉब्लम क्या हुई थी प्रॉब्लम ये हुई थी कि जब रदर साहब ने अपना मॉडल प्रपोज किया तो जहां पर मॉडल प्रपोज हुआ था उस कॉन्फ्रेंस में उस सेमिनार में बहुत तमाम सारे वैज्ञानिक बैठे हुए थे जो कि सुन रहे थे और तरीका यह हुआ करता था कि जब भी कोई नई थ्योरी प्रपोज की जाती थी तो उसका एक वाइट पेपर तैयार होता था सब लोगों में बांटा जाता था वाइट पेपर का मतलब उस थ्योरी की खास बातें लिख करके सब लोगों में बांटी जाती थी सारे साइंटिस्ट उसको पढ़ते थे अध्ययन करते थे फिर एक दिन आता था जब वो वैज्ञानिक जिन्होंने थ्योरी तैयार की है वो आ करके इसी तरह से मंच पर खड़े होकर के अपनी थ्योरी को प्रपोज करते थे लोग सुनते थे और यदि उन्हें कुछ पूछना होता था तो पूछते थे और जो वैज्ञानिक बोल रहा है उसको उन प्रश्नों का जवाब अपनी थ्योरी के आधार पर देना होता व्यवस्था हुआ करती थी तो so, जब रदरफोर्ड साहब ने अपनी थ्योरी को प्रपोज किया तो एक वैज्ञानिक और थे वहां पर जो सुन रहे थे उनसे जूनियर थे उनका नाम था क्लार्क मैक्सवेल मैक्सवेल साहब ने रदरफोर्ड साहब से कहा कि सर ब्रिलियंट थ्योरी यू हैव प्रपोज्ड, बट आई अ क्वेश्चन टू आस्क एंड द क्वेश्चन इज एंड द क्वेश्चन इज दैट इन माई थ्योरी आई है चार्ज बॉडी इन द सेंटर इसको ध्यान सुनिएगा दैट इफ देर इज अ चार्ज्ड बॉडी इन द सेंटर एंड ए ऑपोजिटली चार्ज बॉडी एक्सेलरेट्स अराउंड इट इन सर्कुलर मोशन फिर से सुनिएगा इफ देर इज अ चार्ज बॉडी इन द सेंटर एंड इफ द ऑपोजिटली चार्ज बॉडी एक्सेलेट्स अराउंड इट इन सर्कुलर मोशन देन स्लोली दिस रिवॉल्विंग बॉडी विल लूज इट्स

और उसके चारों तरफ एक नेगेटिवली चार्ज बॉडी सर्कुलर मोशन में मूव करती है तो इस नेगेटिवली चार्ज बॉडी का एक्सेलरेशन उसकी विलोसिटी उसकी एनर्जी धीमे कम होगी और ये सर्कुलर मोशन सर्कुलर न रह करके ये स्पाइरल मोशन में कन्वर्ट हो जाएगा और एक समय आएगा जब दोनों ऑपोजिटली चार्ज बॉडीज आपस में एक दूसरे से टकरा जाएंगे ये बात सिद्ध हो चुकी थी प्रूव हो चुकी थी और क्लार्क मैक्सवेल साहब की थ्योरी uh, के रूप में ये बात ऑलरेडी लोगों के बीच में थी मैक्सवेल साहब ने कहा कि सर मेरी थ्योरी सही है और आपने अपनी थ्योरी में जो बात प्रपोज करी है वो कुछ मेरी थ्योरी से मिलती जुलती है कि इलेक्ट्रॉन नेगेटिवली चार्ज है सेंटर में न्यूक्लियस है जो पॉजिटिवली चार्ज है अब अगर कल्पना कीजिए मेरे साथ कि यहां पर ढेर सारे इलेक्ट्रॉन नहीं है मान लीजिए एक ही इलेक्ट्रॉन इमेजिन करिए दैट देर इज ओनली वन इलेक्ट्रॉन दिस इलेक्ट्रॉन इज नेगेटिवली चार्ज इलेक्ट्रॉन नेगेटिवली चार्ज है और इलेक्ट्रॉन इस न्यूक्लियस के चारों तरफ सर्कुलर मोशन एक्वायर करने लगा तो अकॉर्डिंग टू क्लॉर्क मैक्सवेल थियरी दिस इलेक्ट्रॉन विच इज रिवॉल्विंग इन सर्कुलर मोशन विल स्लोली लूज इट्स एक्सेलरेशन विल स्लोली लूज इट्स एनर्जी इट्स वेलोसिटी एंड ए टाइम विल कम जब धीमे 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 करके ये इलेक्ट्रॉन का सर्कुलर मोशन स्पाइरल मोशन में कन्वर्ट हो जाएगा और ये इलेक्ट्रॉन को इस न्यूक्लियस के साथ आ करके टकरा जाना चाहिए और यदि इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस से टकराएगा तो एटम नष्ट हो जाएगा दिल विल डिसंटीग्रेट इट विल ब्रेक इफ द इलेक्ट्रॉन कम्स एंड स्ट्राइक्स इन टू द न्यूक्लियस ये थ्योरी बिल्कुल सही है और इस थ्योरी के आधार पर मैक्सवेल साहब का जो सोलर सिस्टम मॉडल ऑफ एटम है इस थ्योरी के आधार पर एटम को नष्ट हो जाना चाहिए मैक्सवेल साहब ने रदरफर्ड साहब से पूछा सर आपका एटम नष्ट क्यों नहीं हुआ जबकि मेरी थ्योरी के हिसाब से आपके एटम को नष्ट हो जाना चाहिए एंड रदरफर्ड आंसर द क्वेश्चन रदरफर्ड साहब मैक्सवेल साहब के जवाब का उत्तर सवाल का जवाब नहीं दे पाए बोर साहब ने रदरफर्ड साहब की सहायता करते हुए मैक्सवेल साहब के सवाल का जवाब दिया एंड बोर इन हिज थियरी देर आर फाइव पोस्टुलेट्स इन बोर्स अटोमिक मॉडल इन वन ऑफ द पोस्टुलेट्स बोर सेड दैट एन इलेक्ट्रॉन वाइल रिवॉल्विंग अराउंड द न्यूक्लियस एंड अनलेस इट विल चेंज ऑर्बिट देर विल बी नो चेंज इन एनर्जी जब तक इलेक्ट्रॉन अपने ऑर्बिट में परिक्रमा कर रहा होगा उसकी ऊर्जा में किसी प्रकार का परिवर्तन नहीं आएगा यदि इलेक्ट्रॉन लोअर ऑर्बिट से हायर ऑर्बिट में जाता है तब उसकी एनर्जी में परिवर्तन होगा वो बढ़ जाएगी और यदि इलेक्ट्रॉन हायर ऑर्बिट से लोअर ऑर्बिट में आता है तब उसकी एनर्जी में परिवर्तन आएगा एनर्जी घट जाएगी सो विद दिस आई कम टू द एंड ऑफ दिस फर्स्ट इंट्रोडक्टरी लेक्चर एंड इन लेक्चर नंबर टू आई विल बी डिस्कसिंग the bohr's atomic model in detail and uh, in the meantime you can listen to this lecture and read from the books the bohr's atomic model and i will see you very soon thank you very much